कांची काम कोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती महाराज के चातुर्मास महोत्सव के अंतर्गत शिवाला स्थित चेतसिंह किला परिसर में दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ मुथु स्वामी दीक्षित को समर्पित संगीत सभा का आयोजन किया गया। इस संगीत सभा में वक्ताओं ने कहा कि मुथु स्वामी दीक्षित तमिलनाडु के महान कवि, संगीतज्ञ और साहित्यकार थे। उन्होंने बाल्यावस्था में काशी जोन को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। यहीं पर भगवती गंगा की कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। जैसा कि बताया जाता है कि उनको साक्षात गंगा से वीणा की प्राप्ति हुई। उन्होंने काशी में रहकर कर्नाटक संगीत में साधना के साथ अनेक रचनाएं की, जिसमें काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी, काल भैरव आदि प्रमुख देवताओं पर आधारित रचनाएं भी रहीं। सभा में कांची काम कोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ सभी को अपने अनुग्रह से अभिसिंचित करते हैं। काशी से किया हुआ कार्य विश्व को संदेश देता है। दीक्षित जैसे महान कवि की कृति आज भी कर्नाटक संगीत के लिए प्रासंगिक है। आज भी इन कृतियों को गाकर संगीत के विद्वान अपने को धन्य समझते हैं। ऐसे महान कवि के लिए प्रतिवर्ष काशी में इस तरह का आयोजन होना चाहिए। इससे पूर्व यज्ञ अनुष्ठान के कार्यक्रम में 16,000 मोदकों के साथ आहुति दी गई। श्री रुद्र के आचार्य सुब्रमण्यम धनपाणी के आचार्य तत्व में यज्ञ किया गया। दिनकर शास्त्री के आचार्य तत्व में चंडी पाठ एवं हवन हुआ। कार्यक्रम में कांची मठ के प्रबंधक V.S. सुब्रमण्यम मणि, चक्रवर्ती विजय नावड़ आदि की भी मौजूदगी रही। देश भर में गजर है और उनकी जो आदरता है सब और जो ज्ञान है उससे देश में बहुत लोग पाकिस्तान प्रभावित होकर उनसे करते हैं। इसीलिए आया कि यहाँ यज्ञ हो रहा है और स्वामी जी यहाँ हैं और बहुत दिन से हुआ मुझसे मिले नहीं, तो इसीलिए मैं आया हूँ और कोई कारण से नहीं। और आज मुझे वास्तव में कम समय इसीलिए है क्योंकि कोर्ट का मामला चल रहा है, कल भी है और फिर उसके बाद मुझे बंगलोर में जाकर वहाँ कोडावास के लिए मुझे करना है, फिर बॉम्बे में केस है वो पंढरपुर में जो सरकार ने और बीजेपी की सरकार ने उस वहाँ की जो मंदिर है कृष्णा और रुक्मिणी की उस मंदिर को उन्होंने सरकार ने हाथ में लिए उसको छुड़वाने के लिए। जैसे मैंने तमिलनाडु में सभानायकर की जो मंदिर थी करुणानिधि जिससे उसको ले लिया था उसको भी हमने सुप्रीम कोर्ट में छुड़वाया था और उत्तराखंड में सारे मंदिरों को लिया गया सरकार ने।